नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालय में चार्ज संबंधित सामान्य नियम। UPS स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक का पद यदि हो खाली तो चार्ज हम किसको देंगे, सीनियरिटी का निर्धारण कैसे करेंगे, और साथ ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि संस्था प्रधान किसी कार्य से बाहर जाते हैं तो प्रभारी किसको बनाया जाए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो ये इंटरफेस जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का इंटरफेस है। जो चार्ज नियम का आदेश है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आदेश है 6/3/2017 का। ये आदेश हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है, तो चाहे तो आप वहाँ से भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो कार्यालय आदेश है यहाँ जारी किया हुआ। तो राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारू संचालन एवं दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्यभार के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20/1/17 के संशोधन किए जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहला जो दिशा निर्देश है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय या फिर प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत होने की स्थिति में जो संस्था प्रधान का दायित्व है वो वरिष्ठ अध्यापक के पास रहेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक का पद यदि खाली है या फिर स्वीकृत नहीं है तो जो निकटतम वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठतम अध्यापक हम यहाँ बोलेंगे, वरिष्ठतम का मतलब सीनियर अध्यापक या फिर प्रबोधक जो भी कार्यरत हैं उनको संस्था प्रधान के कार्य का निर्वहन करना होगा। जो सबसे सीनियर है उनकी बात यहाँ हो रही है। उसके बाद में तीसरा जो दिशा निर्देश है हमारे पास है, वरिष्ठ अध्यापक या फिर अध्यापक या फिर प्रबोधक, यदि इन तीनों का पद रिक्त है तो जो शारीरिक शिक्षक है उसके पास संस्था प्रधान का दायित्व रहेगा। चौथा निर्देश की बात करें कि बिंदु संख्या 1/3 के अलावा अन्य स्थिति होने पर जो वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी या फिर पैरा टीचर या फिर ट्रेनी अध्यापक के पद के ऊपर कोई कार्यरत है कार्मिक, तो संस्था प्रधान का दायित्व है उनके द्वारा किया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिखी है नीचे ही नीचे, कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण संपूर्ण सेवा की अवधि के आधार पर होगा। साथियों, एक समस्या और आती है कि यदि हमारे संस्था प्रधान किसी कार्य से बाहर चले जाते हैं, जैसे मान लो बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई अन्य स्टेशनरी का सामान लेने जा रहे हैं, परीक्षा संबंधित XYZ कोई भी कार्य से जा रहे हैं, तो जो चार्ज है वो किसके पास आएगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि यदि वरिष्ठ अध्यापक है और वो बाहर जा रहे हैं तो जो वरिष्ठतम अध्यापक है जिनकी सेवा सबसे ज़्यादा हो चुकी है उनके पास ये चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें जो वरिष्ठ अध्यापक है संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत है उनको बार बार आदेश निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये बात क्लियर है कि जो वरिष्ठतम अध्यापक है या फिर प्रबोधक है या फिर जो शिक्षाकर्मी पैरा टीचर है लेवल फर्स्ट है तो उनके पास ऑटोमेटिक चार्ज आ जाएगा यदि वो सेवा में ज़्यादा है। तो साथियों, ये थी चार्ज से संबंधित जानकारी। ये जानकारी आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। यदि कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो नॉलेज के अभाव में चार्ज देने में कठिनाई आ जाती है, तो
ये वीडियो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप समय पर देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।